थाने में एक अबला आत्महत्या कर ले रही है। महिला उसके लिए कोई नहीं है, सरकार अपराध बंद। टूटा फूटा मस्जिद है वो भी टूटेगा, और क्या टूटेगा, 100% है, आज नहीं तो कल तोड़ेंगे। 70 साल कांग्रेस नहीं, अभी तो 70 साल में भी 3 महीना बाकी है। गरीब वो है कि जो सुबह कर ले शाम को पता नहीं रहेगा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पुल तोड़ेंगे, अभी एक आप लोगों ने अयोध्या देखा, अगर वहाँ पे भी शांति नहीं बनाएंगे तो उसको भी मिटाएंगे। लैपटॉप अगर हम लोगों को मिल जा रहा है तो मोदी को देंगे, और क्या नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। विदेशी कांग्रेस रहेगी तो लूटती रहेगी। कांग्रेस विदेशी है। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जिला आजमगढ़ में, ये पता लगाने कि इस बार यूपी चुनाव में हवा किसकी है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, और अभी वर्तमान सरकार जो भाजपा की चल रही है इससे कितने संतुष्ट हैं लोग। तो जनता के बीच आइए हम लोगों से बातचीत कर आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं वर्तमान सरकार के बारे में, और क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की यानी योगी सरकार आ पाएगी या फिर अब इनकी विदाई हो जाएगी। क्या लगता है, इनके फिर से लिया हुआ क्या हटावे क्या नहीं रहा है? बोले तो हमारे लिए ठीक है बड़े भैया, ठीक है। क्या बढ़िया लगा था इनका? थोड़ी सब महंगाई है, फुल महंगाई ज्यादा है, बहुत सारा महंगाई बहुत है, बहुत है, हां एकदम हालत खराब है, महंगाई बहुत। काम धाम मिला सकना लड़के ना? एकदम ना महंगाई। चाचा क्या क्या महंगा है? हां क्या क्या महंगा आपको लगा इसमें? क्या क्या महंगा? हां अरे सब दुकान का सौदा महंगा। आपको राशन आपका 19 रुपये सरकार खरीद के आपको 5 रुपये किलो दे रही है, प्लस 2000 रुपये महीने आपको दे रही है अकाउंट में घर बैठे, उससे आपको कोई हेल्प नहीं है? भाई आप कहे रहा, लोग तो ये कह रहा है ना कि ये सब मत दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर लोग लेना बंद कर दें, आप लेना बंद कर दें, आजमगढ़ ने यूनिवर्सिटी दिया सरकार ने, उससे आपको कोई फायदा नहीं है? यूनिवर्सिटी बन गई कि अभी बन रही है, शुरू हो रहा है काम? अगर बनाना ही था तो 5 साल पहले ही शुरू कर दियो, तब तक बन गई होती। अब ये तो इसके लिए अब सवाल करेंगे, फिर इसके इस पे भी सवाल कुछ करेंगे कि आप 2000 रुपये दे दिए पहले से दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं पहले से दे रहे हैं। अच्छा क्या लगा? गुंडागर्दी कम हो गई? गुंडागर्दी कम हो गई, बहुत कम हो गई। लेकिन जो सरकारी आंकड़े वो तो कुछ और कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े आप हमें दिखाइए, आजमगढ़ में जो आंकड़े उठा के देख लीजिए पिछले साल। आप NCERB की रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे जी, तो उसमें अभी पिछली सरकार जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो कुछ नहीं था, अपराध सबसे कम मायावती की सरकार में था NCERB की रिपोर्ट के अनुसार, उससे ज्यादा था अखिलेश यादव की सरकार में, और उससे भी ज्यादा है वर्तमान सरकार में। नहीं नहीं नहीं, एक भी दंगे नहीं हुए। 7000 से 7500 के आसपास दंगों की रिपोर्ट हुई है थानों में, आपकी बात मानी जाए या फिर थानों में जो FIR दर्ज हुई उसको माना जाए? जिस तरह के दंगे आप बदला, थाने वाला गलत है बिल्कुल रिपोर्ट, इसका मतलब वही हुआ ना? या तो थाना बदनाम, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप अच्छा किसी लड़ाई को सरकार के अधिकारी सरकार को बदनाम कर सकते हैं? अधिकारी का बोलबाला है इसमें, अधिकारी का बोलबाला है। हाँ, अधिकारी का बोलबाला है। सरकार फंसेगी ना? सरकार फंसेगी, लेकिन सरकार एक मिनट, मतलब सरकार अपने ही अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कर पा रही? नहीं, सरकार को छूट नहीं, अधिकारियों को एकदम छूट है कि अपने हिसाब से काम करें। महराजपुर थाने में एक अबला आत्महत्या कर ले रही है महिला, उसके लिए कोई नहीं है, सरकार अपराध बंद। अच्छा ये बताइए कि सरकार आप एक अपना घर सही से नहीं चला पा रहे हैं, इतना बड़ा आपको प्रदेश चलाना है, क्या सरकार सबको जहर निपटाते चले? यही व्यवस्था सबके लिए थी, मायावती थी तब भी वो अकेली थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि आप ये बेहतर की बात कर रहे हैं, तो बेहतर सरकार है अगर आप इस मामले में बेहतर ये भी। अरे रोजगार के लिए प्रयास किए, यूनिवर्सिटी खुला, बेरोजगारी चरम पर है इस समय, 45 सालों के रिकॉर्ड, उसके हिसाब से टैलेंट भी रहना चाहिए ना। हम किसी लड़का अच्छा पास नहीं किया है, अब उसको नौकरी सरकारी पकड़ा दे, ये तो सरकार नहीं कर सकती है। 7 साल में सब टैलेंट खत्म हो गया। अरे प्राइवेट हम आप दूसरे जो बहुत लोग कर रहे हैं, अब किसी की 40 साल हो गया है और उनको पढ़ने नहीं आता है, बेरोजगारी है, तो क्या करे सरकार, उनको मास्टर बनवा दे, मजदूरी वगैरह मिले ना मास्टर बनने। अरे जाइए बम्बई में, तमाम है, एक से एक फैक्ट्री है। ये बताइए, 7 साल से केंद्र में है, 5 साल से यूपी में है, आज भी आप बम्बई भेज रहे हैं, तो इसकी ये किसके लिए शर्म की बात है? नहीं वो चीज सही है, अगर यूपी में बहुत अच्छे अच्छे हैं आप बनारस में जाके जॉब कर सकते हैं। एक बात सुनिए, अभी हम बनारस से ही सर्वे करके आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आए थे साल 2013 में, उन्होंने कहा था हम यूपी में इतनी फैक्ट्री लगाएंगे किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हाल ही है कि पलायन उसी तरह से है। जो देखिए, आप ये बताइए कितनी फैक्ट्री लगी आजमगढ़ में? मतलब एक सुनिए, एक व्यवस्था अगर गड़बड़ हो गई है तो उसको बना, एक घर अगर गिरा दिया गया हो फिर उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई जादू तो है नहीं सरकार के पास कि जादू की छड़ी घुमाई और ये घर बन गया उनका और उनको कल नौकरी सरकारी दिल दिया गया। सो कोई भी चार थोड़ा टाइम दीजिए, आप 70 साल किसी को टाइम दिए और किसी को 7 साल में आप लोग 70 साल में आप भाजपा को भी गिन रहे हैं? नहीं भाजपा को भी गिन रहे हैं, 70 साल कांग्रेस को टाइम दिए? 70 साल कांग्रेस नहीं, आप गलत है, 70 साल कांग्रेस नहीं, अभी तो 70 साल में भी
तीन महीना बाकी है। जैसे 52 में चुनाव हुआ था, 1952 में पहला चुनाव 51 में हुआ था, वो 3 महीने सरकार को दे दिया जाए। नहीं नहीं, उससे खुश रहेंगे आप? एक बात बताइए, मतलब एक आंकड़ा मैं मोटी मोटा एक आंकड़ा बोला कि अगर आप किसी सरकार को 85 साल टाइम दिया और कोई सरकार 7 साल में, ये आप एक तरह से हिंदू को, हिंदू लोगों के लिए अयोध्या में जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये हमारे गर्व की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना मालूम होगा, लेकिन बनाया तो इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगी तभी तो बनेगा, प्रस्ताव तो रखे, उसके लिए इन्होंने कदम तो नहीं उठाया। मथुरा में उठा ले वो कदम, बहुत पहले चल रहा था, मथुरा में उठा ले कदम। अच्छा एक बात बताइए, लोकतांत्रिक सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना होता है कि रोजगार देना, शिक्षा? नहीं, रोजगार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोजगार देना सरकार का प्रथम दायित्व यही है कि रोजगार देना, लोगों की गरीबी दूर करना, तो धीरे धीरे सरकार उससे काम कर रही है। और अगर ये क्या उनको भी 70 साल चाहिए क्या? नहीं, 70 साल नहीं चाहिए, एक बार और लोग पब्लिक बनाए, उसके बाद वो अपना गरीबी दूर करेंगे। अभी ये बताइए, पौने पांच साल अभी अमूल राजा, राजा ने प्रजा प्रजा हो गई, तो सपा में क्या आप राजा थे क्या? राशन गरीबन को मिल चाहिए तो सबके मिले, का मतलब भाई आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है ना? नहीं आपको मिल रहा है ना, आप गरीब है, कहाँ से गरीब है? अरे हमारे खेत आपको बिछाना है, 2000 रुपए नहीं पा रहा है, आदमी नंगे रहे। अरे गरीब क्या मतलब, गरीब तो सबको सरकार दे रही है, कोई गरीब अमीर है तो सोचना चाहिए, सबको सरकार दे रही है। मेरे यहाँ तो लोगों को मिल रहा है, लोगों को बांट दे रहे हैं। ये बताइए, राशन तो पुरानी व्यवस्था है ना, कोई नया तो है नहीं राशन? नहीं, जैसे अब ये कह रहे हैं गरीबों को मिल रहा है, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, गरीबों को दिया जा रहा है। मेरे यहाँ लोग तो, हम लोग तो गरीब को दे देते हैं, गरीब वो है कि जो सुबह कर ले शाम को पता नहीं रहेगा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है यूपी चुनाव में? समाजवादी पार्टी आ रही है। और बाबा जी? बाबा जी के बारे में हम नहीं बता सकते जो है, क्या इन्होंने क्या बुरा कर दिया है? क्या बुरा कर दिया ये? नहीं बुरा, हम व्यापारी हैं जो है, छोटे छोटे व्यापारी, हम लोग सामान ले खरीदते हैं, जिसे हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि प्राइवेट, मतलब प्राइवेट करती जा रही है सारी संस्थाएं जो है। अभी अभी हम लोगों की तरफ तो नहीं आया है। जियो मार्ट का आपने नाम सुना होगा, जो अनिल अंबानी जी ने है जियो मार्ट चला रहे हैं मुंबई साइड में जो है। हम लोग छोटे व्यापारी अपना मतलब सामान खरीद के मतलब दुकान दुकान पहुँचा के अपना काम चला रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो अभी वहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि कंपनी हमको जैसे यूनिलीवर हुआ चाहे हिमालय हुआ कोई भी प्रोडक्ट हुआ 30% पे दे रही है, हम यहाँ पे 5% रख के व्यापारियों तक पहुँचा रहे हैं, तो भाई वहाँ पे हमारा 5% बच रहा है। अब जियो वाले कर क्या रहे हैं, वो कहीं से भी जो भी सेटिंग हो उनकी जो है 30% हम ला रहे हैं, वो क्या कि 35% दुकानदार को सीधा दे दे रहे हैं, तो भाई वहाँ तो हम चोर हो गए जो है। अभी यहीं पे सामान दे के जा रहे हैं इनको, हम कोई आइटम 7.5 रुपये में दे के जा रहे हैं इनको, 7 रुपये हम सीधे ऐप द्वारा जैसे भी है इनको पहुँचा दी, तो भाई यहाँ पे इनकी नज़र में हमारा संबंध तो खराब हो गया ना भाई, इतने दिनों से 8 साल 10 साल से हम लोग व्यापारी लोग संबंध बना के चल रहे हैं। जो अपनाई जा रही है ये बेरोजगारी को बढ़ाएगी ना? जो बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा रही है, जो अब हम लोग तो घर बैठ जाए ना, अभी तो सामान देखिए वापस कर दिए कि भैया 40 रुपये में दिए हैं, इससे बड़ा आइटम हम तो हमारे जो है 35 रुपये हमको मिल गया, हमारे इस आइटम देखिए अभी डॉक्टर साहब हमने आपको वापस कर दिया, हमारे जो है हम लेके जा रहे हैं इसको जो है। अच्छा किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार, क्या लग रहा है? मंदिर अंदर हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा होगा क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो बना हुआ है सर, बना हुआ। हाँ बिल्कुल, उस पर वोटिंग होगी? हाँ बिल्कुल होगा, और इसका फायदा तो योगी जी को मिलेगा। अच्छा इसका फायदा मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर हिंदू मुस्लिम पर वोट करना है तो फिर काम मत मांगिए फिर। हाँ हिंदू मुस्लिम करिए फिर, काम मत मांगिए जो है। अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो सपा करती आई है, ये कैसा? सबसे ज्यादा तो हिंदू मुस्लिम सपा करती आई है, ये तो किसी से नहीं छुपा है। अभी तक भैया ने कहा, अभी अभी इस बार के चुनाव की कैंपेनिंग की अगर बात कर लें तो अखिलेश यादव ने या फिर समाजवादी पार्टी में और तो कोई नहीं है मुख्य रूप से, किसी ने भी हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मांगा ना कोई चर्चा, किसी ने नहीं मांगा। लेकिन योगी जी और मोदी जी और अमित शाह, जेपी नड्डा जिस भी कार्यक्रम में जा रहे हैं वो हर बात में हिंदू मुस्लिम और मंदिर को लेके आ रहे हैं। देखिए तो आप कैसे कह सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, उन्होंने हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए एक जो अपना राष्ट्र है, अपना राष्ट्र हिंद से ही शुरू हुआ है, इसलिए वो पहले हिंदुस्तान है उसके बाद जाति धर्म है, ये तो हम लोग भी अपने में जाति नहीं करते। अगर पहले हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल हर जगह होती है। फिर धार्मिक उन्माद क्यों? क्यों धार्मिक? क्या धार्मिक? वो अपनी आस्था अलग अलग, वो अपनी आस्था राम को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, ये थोड़ी नहीं कि मस्जिद गिराने जा रहे हैं, तो उनका अलग आस्था है। मस्जिद नहीं गिराई गई। अरे गिराई गई, जहाँ गलत था वहाँ हुआ, और मेरी आस्था है हम राम को मानते हैं, अगर गलत था तो सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, मेरे यादव भी हैं, मेरे हरजन भी हैं, सब लोग हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि हम लोग राजनीति वो बसपा है चाहे सपा है, लेकिन मेरी जो राष्ट्रीय मेरी राम को मानते हैं शंकर मानते हैं तो हम उनको मानते रहेंगे। अगर मंदिर नहीं होता तो ऐसे ही बना देते, कहीं भी हम यहाँ पे रोड पर क्यों नहीं बना लेते? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, वो हमारे संस्कार में हमारे खून में है, मंदिर हमारा है वहाँ बनेगा, वो तो एक बार कितने भी कहाँ मंदिर है आपका? अभी अयोध्या में है, आप देख रहे हैं वहाँ भी बन रहा है, बनारस में वहाँ भी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत टूटा फूटा मस्जिद है वो भी टूटेगा, और क्या टूटेगा? 100% है, आज नहीं तो कल तोड़ेंगे। क्या क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तो ऐसे शकल अब देख लिए सर, अब इससे ज्यादा और क्या बताओ ना। संतोष यादव, हाँ पुल तोड़ेंगे अभी। एक आप लोगों ने अयोध्या देखा, अगर वहाँ पे भी शांति नहीं बनाएंगे तो उसको भी मिटाएंगे। अच्छा। वो हमारा मंदिर वहाँ पे था, है और रहेगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ मस्जिद था सब कुछ हटा दिया? वहाँ था ही नहीं सर, वो तो खाली क्या है, बाबर ये वो ये दूसरे देशों से आक्रमणकारी आए, वहाँ पे अपना वो बना के चले गए। दबदबा था उस टाइम, जो अस्तित्व है वो हिंदुस्तान में क्या है, बाबर हिंदुस्तान का तो था नहीं, वो तो अरब से आया था। आज जो यहाँ का अस्तित्व है वो भगवान राम के हिसाब से है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? मैं बीए हूँ। बीए किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। तो अभी देश की अर्थव्यवस्था क्या हालचाल है? अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। अब इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव जीडीपी कुछ नहीं। अगर कोई बोलता है कि नेगेटिव है तो बताए ना उसे। अगर अच्छा है तो सुनिए हमारी बात, अगर अच्छा है तो सारी सरकारी कंपनियां बेच के खर्चा क्यों चलाना? कौन बता रहा है सर, कौन बता रहा है कि कौन सी कंपनी बिकी है बताइए? एयरलाइंस बिका है, रेलवे बिका है, गेल बिका है, बेल बिका है, क्या नहीं बिका है? आप ये बताइए, आपके अंदर सार्थकता नहीं है, आप खेती नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों देते हैं? छोटे छोटे कास्ट के लोगों को दे देते हैं ना भैया, कर आधा मतलब हमको सरकार दे दे मान लिए कि हमारे अंदर सार्थकता नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। सरकार के अंदर सार्थकता नहीं, जो इससे पहले सरकारें थी वो पूरा खोखला कर चुकी है। अच्छा। अब उन्होंने बेचा नहीं? अगर नहीं बेचा, कुछ नहीं है। क्या बेचा? जेट एयरवेज किसका था? जेट एयरवेज नहीं, इंडियन एयरलाइंस किसका था? किसका था? सरकार का। 70 साल पहले कौन था उसका मालिक? तो उसको वापस कर देंगे? जाहिर सी बात है, हमारे ऐसा थोड़ी, हमने वापस नहीं किया है। अगर वो और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, हमने उनसे लिया था। जब आपने लिया था तो पैसा देके लिए थे ना? कौन बोला पैसा दिया था? फ्री में लिए थे? फ्री में लिया? टाटा ने फ्री में दिया था सर? टाटा ने फ्री में नहीं, ये दिमाग आपको कहां से मिल गया? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं फ्री में दिया। कौन कह रहा है? टाटा को यूज किया गया, उसको ले आके एकदम लास्ट ऐसे अस्तित्व में डाल दिया गया। आपको पता है कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है? बहुत बहुत बड़ी। लेकिन जेट एयरवेज जो था ना, आज उसके 80-85 रुपए शेयर हो गए। आपकी बात तो भाई दूसरे गोला की लग रही है। नहीं नहीं, 1200-1300 से शेयर उसके 80-85 हो गए। किसने बर्बाद किया? ऐसा तो नहीं है कि 5 साल में मोदी जी आ गए या योगी जी आ गए बर्बाद कर दिए, ये तो नहीं है ना। कितना दिन हुआ बीजेपी को आए हुए? कितना? 7.5 साल हो गए। 70 ईयर्स के इतिहास में बीजेपी कितने दिन गवर्नमेंट में रही? साल पहले भी थी, एक साल फिर थी, एक बार 15 साल। मैं 20 साल पकड़ता हूँ। बाकी आपके देश आजाद हुए कितना दिन हुआ? जितना दिन भी हुआ आप बताइए। 75 ईयर्स ठीक, 15 साल निकाल दीजिए 75 ईयर्स, तो बाकी क्या बचा? वही जो बेच रहे हैं वही बनाया गया। 15 साल में वो बचाया लोगों को। अभी आज जो अभी आपको मालूम है कि कितनी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया है? कितना है बताइए? बता तो दिए। वो मीडिया अगर बोलती है कि निजीकरण हुआ, मीडिया नहीं बोले भाई साहब, आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो। अरे सर, मैं भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल। देखिए सुनिए भाई साहब, सुनिए, देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जो आज के दौर में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी हो, अगर पिछले समय में आप देखेंगे, जिसकी भी जितनी लाइफ होगी हर आदमी परेशान होगा। जिसका जो स्तर होगा, अगर छोटे बच्चे का स्तर है, बड़े बच्चे का स्तर है, बड़े कम लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सभी लोग परेशान हैं। और परेशान इसलिए है, नहीं वो तो आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, परेशान इसलिए है कि इस कंपनी में काम करता है। कंपनी का नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सारा रोजगार। कितना कमाता है? अभी मेरा प्रेजेंट टाइम सैलरी 78,000। हाँ, तो आप अपनी कंपनी में 10-20 हज़ार लोगों को और लगवा दीजिए, बहुत बेरोजगारी हो गई। देखिए आप ऐसा नहीं बोलते हम लगवा देंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। योगी मोदी आपके घर पे नहीं देंगे कुछ, कोई बेरोजगारी नहीं। आप घर से बाहर निकलेंगे आपको काम मिलेगा। लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे ना? मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं। चोरी है? हाँ, मेहनत, आपके पास रोजगार बहुत सारा है बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिए मेहनतपुर में, अगर आप सोचिए आपको मेहनतपुर में कंपनी ले आके दे होगी, नहीं देंगे मोदी, नहीं देंगे। 2013 में तो यही बात कहे थे ना? किसी ने नहीं, वो थोड़ी कहते आपके घर पे हम फैक्ट्री लगाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा था यूपी में फैक्ट्री लगा देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ चलाना पड़ेगा गवर्नमेंट कोई भी हो, और विदेशी कांग्रेस रहेगी तो लूटती रहेगी। कांग्रेस विदेशी है, बहुत सारा सब कुछ है उसके अंदर, क्या नहीं है? 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? किसने किया? आज देश किसी को सजा मिली नहीं? आज देश की अर्थव्यवस्था जो 4G आज से 4 साल पहले आना चाहिए था, 2G स्पेक्ट्रम ने ऐसा बैठा दिया कि आज 4 साल बाद भी नहीं आ पाया। 4G नेटवर्क ढंग से नहीं पकड़ता है। अच्छा। इसको आप 4G बोलते हैं? आप एक बार सरकार में आया था,
एक बार आप गुजरात में जाके देखिए, फिर बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। गुजरात के व्यापारी बहुत परेशान हैं। कौन बोलता है? अभी कपड़े के व्यापारी धरने पे थे। आप बताइए, दुनिया की जो इंडिया की जो मोस्ट सबसे अच्छी कंपनियां हैं, वो 700 कंपनी गुजरात के एक कच्छ जिला है वहीं पे है, क्यों है? वो मोदी जी के आने से पहले से भी है। कौन बोला? मैं 2004 से तू। अच्छा, मोदी जी कब आए थे वहाँ पे? मोदी जी 2004 में थे, वो बात की बात है, बट भूकंप के बाद जो सुनिए, जो जितने भी तटीय राज्य होते हैं वो पहले से डेवलप थे, किसी के आने जाने से नहीं हो गया। कौन बताइए, कौन सा और डेवलप दिखाइए? जितने भी तटीय राज्य, 2004 के बाद किसी एक राज्य का नाम लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप है क्या गुजरात? सर महाराष्ट्र 89 से डेवलप है, वो बहुत पहले 2004 में। क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल कुमार कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हैं कॉलेज से। हाँ, किस साल पढ़ते हो? बीए सेकंड ईयर। अच्छा, बीए सेकंड ईयर। वोट देना है इस बार? हाँ हाँ, वोट देंगे। उम्र हो गई है ना? हाँ उम्र हो गई। वोट देना है, क्या लग रहा है इस बार? अरे लैपटॉप अगर हम लोगों को मिल जा रहा है तो मोदी को देंगे, और क्या? नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो है कि देखिए, लैपटॉप नहीं मिला तो? लैपटॉप नहीं मिलेगा तो सोचेंगे। देखिए, जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, तो पुरानी जो सरकार थी वो लैपटॉप दे के चली गई? पुरानी सरकार चुनाव से पहले दे रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है ही नहीं? जैसे एक जीतने के बाद दिया और एक जीतने से पहले, मतलब चुनाव लड़ने के, वोट मांगने के लिए दे रहा है, दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ फर्क है। देखिए, अब हम लोग भी जैसे चयन कर रहे हैं तो अब हमारे समझ में जो आएगा, पहले गत वर्षों का देखे, अब आगे का देखेंगे तो जो बेटर लगेगा उसी को हम। क्या बात है, सारे आंकड़ों को मिलाओगे ना? ये आजमगढ़ जिले के मैनगर विधानसभा क्षेत्र से मैनाजपुर नामक स्थान है। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बात को, किसी आंकड़े को मानने से इनकार कर देते हैं, और ज़बरदस्ती की आपने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ भी गिराया, वहाँ भी गिराया। ये उनकी अपनी विचारधारा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।